आर्थिक मोर्चों पर विफल मोदी सरकार को एक बार बड़ा झटका लगा है। पहले बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन और महंगाई में बढ़ोतरी के आंकड़ों ने सरकार को डरा दिया है। इतना ही नहीं, मूडीज, SBI सहित अन्य आर्थिक मामलों से जुड़ी संस्थाओं ने GDP दर गिरने का अनुमान जताया है। अब एक और ऐसी खबर आ रही है जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। 4 दशक यानी पिछले 40 सालों में पहली बार भारत का उपभोक्ता खर्च साल 2017-18 में घट गया है। इसके आंकड़े NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जारी किए हैं। NSO के सर्वे के मुताबिक 2017-18 में भारत में उपभोक्ता खर्च में 3.7% की बड़ी गिरावट आई है और ये घटकर 1446 रुपये रह गया है, जबकि साल 2011-12 में एक भारतीय औसतन 1501 रुपये खर्च करता था। ये सभी आंकड़े रियल टाइम डेटा के आधार पर दिखाए गए हैं। NSO के सर्वे के मुताबिक खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में खर्च घटा है और रूरल स्पेंडिंग में कमी आई है। 2017-18 में गाँव में उपभोक्ता खर्च में 8.8% की गिरावट आई है। NSO सर्वे के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है कि अब लोग खाने पीने की वस्तुओं पर कम पैसा लगा रहे हैं। इसमें भी विशेष तौर पर गांव वालों में दूध और इनसे बने प्रोडक्ट्स की खपत कम हो गई है। इसके अलावा कपड़ों पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर, एजुकेशन पर और घरों के किराए के ऊपर भी लोगों के खर्च करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। इन सब स्थिति को देखकर पता लगाया जा सकता है कि देश मंदी की चपेट में आने लगा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।